14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने धोखे से खाया चूहे मारने का जहर। हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी जिले के सिरसौद में बीती रात एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने धोखे से चूहे मारने का जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजनों नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा किए गए इलाज के बाद नाबालिग की हालत में सुधार बताया जा रहा है। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सीटू पुत्री कमल सिंह परिहार निवासी झांसी उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सिरसौद करैरा ने धोखे से चूहे मारने का जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। नाबालिग लड़की की मां फूलवती ने बताया कि चूहों को मारने के लिए घर में टमाटरों का में जहर लगा कर रखा था। उसकी लड़की सीटू ने धोखे से उन्हीं जहर लगे टमाटरों को खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा तुरंत नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा किए गए इलाज के बाद नाबालिग लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फूलवती, अच्छा क्या हुआ है बच्ची के साथ? बच्ची ने कहते चूहन के लिए दवाई रखी थी टमाटर, मैंने खुद ध्यान नहीं किया और खा गई जी टमाटर उठा के। हुई बस हमें कम से कम एक घंटे बाद पता चला, तो हमने की जी मजाक कर रही है, मजाक कर रही कि हम चूहा की दवाई खा गए, तो हमने गोद नहीं दिया। तब जाके हम ले 6 बजे भगे अस्पताल, और तो मतलब पहले हम वहाँ ले गए करेरा ले गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। ऐसे करते करते से यहाँ ले आ पाए 2:30 बजे रात में बच्ची को, तब यहाँ इलाज चला। हमारा बच्ची अभी जहर में निकाल दिया डॉक्टर साहब ने, तो अभी तो ठीक है। क्या कारण था? कुछ तो कारण होगा नहीं। अरे चूहे के लिए रखा तो ये बगल में रखे थी, वो ही टमाटर उठा के इसने खा दिया। अच्छा, टमाटर में टमाटर में दवाई डली हुई थी। हाँ